सबसे पहले एक नारा लगाएं, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देश के जो मेन, अगर हमारा देश का जवान बॉर्डर पे ना हो तो हम सुरक्षित नहीं रह सकते, और देश का किसान अगर अन्न नहीं उगाएगा तो हम क्या खाएंगे। एक टाइम था हमारे देश में जब अन्न की कमी थी, उसके बाद दूसरे देशों से जो अन्न आएगा उसका रेट कितना हाई होगा। तो आज न देश के जवानों की कदर है, न देश के किसानों की कदर है। जिस प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश के सैनिकों से 2015 में, 15 सितंबर 2013 रिवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने वादा किया था, सैनिकों की रैली की थी, उसने कहा था कि अगर केंद्र में उनकी सरकार आती है तो 100 दिन के अंदर 1 रैंक 1 पेंशन लागू कर दी जाएगी। सरकार भी आई क्योंकि सैनिकों ने भी घर घर जाके सैनिकों ने वोट मांगे, लेकिन उसके बाद करीब 1.5 साल हो गया था और उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन लागू नहीं की, तो जो सतबीर और उनकी पूरी टीम प्रधानमंत्री अरुण जेटली जी से मिलने गई, और जब उनसे पूछा गया कि आप वादा सब करके वोट ले लिए और आरोपी क्यों नहीं दे रहे, अरुण जेटली जी ने उस टाइम कहा था कि जो नेता हम इलेक्शन से पहले वादा करते हैं वो सारे पूरे करने के नहीं होते। तब जाके आंखें खुली कि हम तो ये भोले भाले सैनिक जो छोटी सी उम्र में बॉर्डर पे चले जाते हैं, आज तक ऐसे है जिनके डैडी नीचे भी बॉर्डर पे जाके आती है, और उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए प्यार होता है। दुश्मन तो सिर्फ और सामने वाले को मानते हैं, पीछे जितने भी देश के नागरिक हैं, माताएं बहने हैं, सबको वो अपना मानते हैं, उनके ऊपर भरोसा करते हैं। तो भोले भाले सैनिकों ने वादा करके वोट दे दिया, लेकिन अपना हक प्रधानमंत्री जी तीसरी बार पद लेके बैठ गए, लेकिन आज देश के सैनिक 3,300 दिनों से यही डटे हुए हैं, और जब तक 1 रैंक 1 पेंशन की ऐसी परिभाषा लागू नहीं करेगी सरकार, तब तक यहाँ डटे रहेंगे, क्योंकि ये सैनिकों का हक है, सैनिक कोई भीख नहीं मांग रहे, और अगर सरकार कहती है कि उनके पास पैसा नहीं है तो ये उद्योगपतियों के करोड़ों कर्जा माफ कहां से कर रहे हैं? क्या देश के सैनिकों के लिए पैसा नहीं है? देश के लिए हमारे जो यूनिफॉर्म में बैठे हुए पुलिस वाले भाई, ये भी इनमें से जो 2004 के बाद जो भर्ती हुए होंगे उनको भी पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब जो ग्राउंड पे काम करता है, खून पसीना बहाता है, उसको पैसा नहीं है, पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है सरकारों के पास। अपने लिए हजारों करोड़ का जहाज खरीदने के लिए पैसा है। अगर हमारी संसद इतनी मजबूत बनी हुई थी दिल्ली, तो नई संसद में पैसा बर्बाद करने की क्या कोई जरूरत थी? अगर हमारे पास एक घर होता है, अच्छे से ठीक ठाक घर है, अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो क्या हम दूसरा घर साइड में बनाएंगे? जब हमारे पास पैसा होता तभी तो हम करते ना, ये घर छोटा है तो थोड़ा सा और बड़ा बना ले। तो अगर ये कहे सरकार कि देश में पैसे की कमी है तो इस बात को हम बिल्कुल नकारते हैं, ये सिर्फ एक झूठ है। देश की माताएं बहनों ने जिन्होंने अपने नाम को बॉर्डर पे भेजा, जिन माओं के बच्चे लौट के वापिस नहीं आए, उन माताओं बहनों पे भी सरकार ने 3 बार लाठीचार्ज करवाया। मैं बताना चाहूंगी 14 अगस्त 2015 को इसी जंतर मंतर पे हमारे सैनिकों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनके मेडल छीने गए, उनके कुर्ते फाड़े गए, वीर नारियों को भी धक्का मुक्की की गई, और 11 नवंबर 2015 को ही दोबारा फिर हमारे ऊपर, जब हम रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे तो फिर हमें बीच में रोका गया, फिर लाठियां बरसाई गई, और तीसरी बार 30 अक्टूबर 2017 का वो दिन, मैं कहूंगी कि जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी मैं उसे काले दिन के रूप में जानूंगी, और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकती। 30 अक्टूबर 2017 को जब हम अपने मंच पे भूखे प्यासे बैठे हुए थे और हमें 15-20 पुलिस वाले घसीटते हुए मंच से नीचे उतारा गया और बस में डाल के पार्लियामेंट सालने में लेके गए,
और बहाना क्या बनाया कि एनजीटी का ऑर्डर है, आप यहाँ धरना नहीं दे सकते। एनजीटी के ऑर्डर का 4 नवंबर तक का टाइम था, तो 30 अक्टूबर को हमें क्यों घसीटा गया? इसका जवाब एक दिन प्रधानमंत्री जी कभी मिलेंगे तो मैं जरूर पूछूंगे। सैनिकों ने तो आपको वोट दिया था, तो आपने बदले में उनको लाठियां क्यों दी? उन माताओं ने अपने सुहाग को बॉर्डर पे कुर्बान कर दिया था, उन माताओं बहनों को आपकी पुलिस के द्वारा धक्के क्यों मरवाए गए? पूछो नहीं, कभी तो मिलेंगे, हो सकता है कुर्सी पे ना हो इस टाइम, ना मिले बाद में तो कभी मुलाकात होगी, पूछेंगे। दुख होता है, बहुत दुख होता है, देश को बचाने वालों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है। कहने को कहते हैं कि हम सैनिकों का सम्मान करते हैं, हम किसानों का सम्मान करते हैं, अगर देश के जवानों का सम्मान करते तो देश के जवानों को 3,300 दिन जंतर मंतर पे नहीं बैठना पड़ता। क्या मांग रहे हैं देश के जवान? 1 rank 1 pension, एक जैसी सर्विस, एक जैसा रैंक और एक जैसी पेंशन। सरकार ने कहा कि हम हर जनशक्तिविद ने कहा कि 1 साल में पेंशन रिविजन करो, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम हर साल रिविजन नहीं कर सकते, 5 साल में रिविजन करेंगे। 5 साल में उनके मुताबिक भी, उनके वादे के मुताबिक भी 1 जुलाई 2019 को पेंशन रिविजन होनी थी, जो आज तक भी पूरे सभी सैनिक भाइयों को, वीर नारियों को अभी तक नहीं मिली है, जबकि 1 जुलाई 2024 को दोबारा हमारी ड्यू है। तो कम से कम हमारी ना मान के जो खुद वादा किया वो तो पूरा करते। हम मांग रहे थे कि 1 rank 1 pension दे, प्रधानमंत्री जी ने तो रैंक ही खत्म कर दिए, सेनाओं को भाड़े पे ला दिया। अब पुलिस वाले भाई बैठे क्यों हो? अगला नंबर आप लोगों का है, एक टाइम आएगा अपने देश में पुलिस को भी भाड़े पे रखा जाएगा। आप लोग ड्यूटी तो करते हो, पैसा तो मिलता 8 घंटे का, और हमारे जैसे धरना दे रहे होते हैं तो कभी कभी 24 घंटे तक आप भी घर नहीं जा पाते, उनके लिए भी पैसा नहीं है सरकार के पास। अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो नेताओं को 4-4 pension क्यों दे रही है? कोई एक बार विधायक बन गया, कोई सांसद बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो 4 बार बना तो 4-4 pension ले रहे हैं घर बैठ के और सारी जिंदगी लेंगे, तो क्या देश के जवानों का हक नहीं है पेंशन लेने का? मैं यही कहूंगी कि हमारे देश के सैनिक अनुशासन में एकता के साथ इतने सालों से यहाँ डटे हुए हैं, और जब तक हक नहीं मिलेगा आगे भी डटे रहेंगे। क्या हुआ पांडे साहब? मुझे कुछ नहीं हुआ, हम अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं यही कहूंगी कि आप एकता बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें, ना जाति में बटो ना धर्म में बटो, ना जाति में बटो ना धर्म में बटो, ना हिंदू बनो ना मुसलमान बनो, हाथ जोड़ के विनती है अच्छे इंसान बनो। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।